हेलो एवरीवन वेलकम टू उम्मीद करता आप आप सभी अच्छे होंगे और आप लो भी काफी और लोग भी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जिन लोगों ने रिजल्ट देखा है और जिनका भी रिजल्ट आ गया है और जो इस बार मेंस लिख रहे हैं वो सभी अब थोड़ा सा इन्जॉयमेंट से बाहर निकल गए होंगे ठीक है ना तो अब हम बात करते हैं उन सभी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इस बार मेन्स लिख रहे हैं उन तमाम लोगों की मैं बातचीत नहीं करूंगा जो इस बार मेन्स नहीं लिख रहे हैं जो मेंस नहीं लिख रहे हैं उनको घर की या हार बनाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास अभी बहुत सारे समय है कि आप फिर से सिक्सटी एट बीपीएससी में बैठ सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन के ऊपर और अभी पब्लिक नोटिस जारी हुआ है इस पब्लिक नोटिस में क्या है इसके ऊपर बातचीत हम करने वाले हैं ठीक है ना गाइस फाइनली मैं एग्जामिनेशन डेट की बात करूँ तो तीस नौ दो हजार बाईस को एग्जाम हुआ था इक्कीस ग्यारह दो हजार बाईस को आमंत्रण पत्र आया हुआ है ये सारी चीजें बात कही जा रही है इसमें बात क्या होने वाला है तो गाइज मेंस के रिगार्डिंग इसमें बहुत ही जबरदस्त अपडेट आया है तो मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे जो अपडेट आए हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं कितने दिन का आपको टाइम मिल रहा है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे ठीक है ना सारी चीजों के ऊपर हम लोग इसमें डिटेल्स में बात करने वाले हैं एक चीज मैं बता दूं आप सभी को कि आप अनस्टॉपबल पे नहीं है तो अनस्टॉपबल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस फैमिली का पार्ट नहीं है तो जरूर बन जाइएगा यहाँ पे ये सारे आपके पदाधिकारी और यू कहा जाए तो जो भी विभाग हैं जो आते हैं आपके बीपीएससी में उन तमाम विभाग में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उन तमाम वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है कि महिलाओं के लिए कितना है मेल के लिए कितना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए कितना है तो तमाम चीजों के बारे में दे दिया गया है तो ये इसको एक बार आप देख लीजिएगा इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा समय वेस्टेज नहीं करेंगे ठीक है ना तो ये सारी जो भी है आपके वैकेंसीज है इस वैकेंसीज को देख लीजिएगा एक बार और ये ऑफिशियल है किसी तरीके कोई भी इसमें फेक डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा ऑफिशियल है जो बीपीएससी ने अपने साइट पे रिलीज किया है टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट की मैं बात करूँ तो 802 पोस्ट है एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर और मेंस एग्जामिनेशन का डेट और सब कुछ आ चुका है तो पहले हम शुरू करते हैं इस पीडीएफ से ठीक है ना देन हम आते हैं आपके मेंस पेपर के ऊपर तो यहां पे देखिए कहा जा रहा है कि देखो भैया आपने अगर बीपीएससी का एग्जामिनेशन प्री पास कर लिया है तो आपके पास अब चांसेस हैं मेंस के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का दो डेट आपको दिया गया है कि 21 ग्यारह 2022 से 21 नवंबर को शुरू होगा और 6 दिसंबर को लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म का ठीक है ना अब बात यहाँ यह है कि ये फॉर्म कौन भरेगा तो ये फॉर्म वही भरेगा जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास किया है सिक्सटी सेवन बीपीएससी का वो भरेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म भरेंगे उसके फीस वगैरह दिया गया है कि जो सामान्य कैटेगरी से उनको साढ़े सात सौ रुपए फी लगने वाले हैं ठीक है ना उसके बाद दो सौ रुपए हैं उसके बाद दो सौ रुपए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये सारे पैसे जो आप देख रहे हो तो ये सामान्य कोटि ई के लिए भी सात सौ रुपये है साढ़े सात सौ रुपये है तो इसको आप ध्यान रखिएगा ओके गाइस और ई के लिए भी साढ़े सात सौ रुपये है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय कॉलम नाइनटीन में प्राथमिकता के आधार पर सेवा पद <coughs> क्रम संख्या जीरो से जीरो एक से चौबीस का उल्लेख करना अनिवार्य होगा ठीक है ना आप फॉर्म जो भरेंगे कॉलम उन्नीस भरेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ अनिवार्य किया गया है वो सारी चीजें आपको देना है आज है आपका अठारह तारीख शुरू हो जाएगा ये फॉर्म इक्कीस तारीख से तो आपके पास कुछ टाइम है जिस टाइम में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसके ऊपर फिलहाल में आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके और ये आप पेमेंट कर सकते हो और फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरोगे इस इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है ठीक है ना और अंतिम प्रक्रिया मतलब कि जो भी तो पे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या और मेंशन किया गया है तो पहली बात ये है कि आप अंतिम रूप से गए ऑनलाइन आवेदन पर आवेदन को ही डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निर्धारित स्थान पर स्याही से हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी को स्वयं देखो जो आप फॉर्म भरोगे उसको आपको आपको अपने पास रखना है सेंड नहीं करना है और जो आप फॉर्म में डालोगे वही अंतिम प्रारूप माना जाएगा वही अंतिम रूप माना जाएगा और किसी तरीके कोई उसमें बदलाव आप नहीं कर सकोगे एक बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो भैया अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बार कोड और सबमिट अप्लीकेशन अंकित है ठीक है ना इस बात को आप ध्यान में रखना और इस चीज को आप देख लेना अच्छे से इसके साथ ही हार्ड कॉपी की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुनिश्चित करके रखेंगे जो आप फॉर्म भरोगे उसको आपको एक हार्ड कॉपी निकलवा करके अपने पास रखना है अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए महत्वपूर्ण जो निर्देश है फाइनली उसके ऊपर मैं बात करूं तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा ठीक है ना जो जन्म तिथि को वेरीफाई करेगा इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हैं लाइक डट अनुसूचित जाति में है जनजाति में है ठीक है ना तो उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर ये भी होता है कि हाँ बहुत लोग स्टेट से बाहर के हैं और एस सी में भर देते हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार के हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भैया आपके पास बिहार का निवास पत्र भी होना चाहिए ठीक है तो इस बात को आप ध्यान देंगे पांच नंबर में चार नंबर में कह रहा है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है उनके जो उम्मीदवार है उनके पिता के नाम तथा पता के क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र फॉर्म टेन जो है वो आपको भरना है ठीक है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि देखो भैया आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो बिहार की अधिसूचना संख्या दो हजार है और दिनांक छब्बीस दो दो हजार उन्नीस से इस तक डेट तक का आपके पास होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान देना सॉरी जो विकलांग हैं और उनके जो दिव्यांग हैं उनके लिए कहा जा रहा है माफ कीजिएगा जो दिव्यांग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि भैया आपके पास चिकित्सा जो पार्षद हैं उनका डॉक्यूमेंट आपसे में डालते हैं कि मेरे नाना, मेरे नाना नानी दादा दादी जो भी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो उनके लिए जिला पदाधिकारी से उनको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा तभी जाकर कर सकते हैं अब अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दवा करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवा सेवक हैं हम तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देखो पहली बात यह है कि अगर कोई जॉब कर रहा है बिहार सरकार के अंदर में और वो <coughs> <माँग> कीजिएगा ऐसे <coughs> बोलने पे थोड़ा सा कोई नहीं और उसके बाद भूतपूर्व जो सैनिक हैं और एनसीसी के जो पूर्व कालिक कैडेट में आते हैं उनके पास भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके बाद केंद्र सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी सेवा पद पे अगर नियुक्त हैं तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और फोटो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गित होने की तिथि और पूर्व में भरे गए देखो जो भी आपने डॉक्यूमेंट भरा था पेडिल्स एग्जामिनेशन के समय उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर पाओगे आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र जो भी आप दे रहे हो डॉक्यूमेंट वो साक्षात्कार के समय आपसे मांगा जाएगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बातचीत किया गया है और फाइनली आप फॉर्म भर पाओगे डब्ल्यू bpsc.bih.nic.in पे आप जाकर के लॉग इन करके आप अपना ये सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हो और फाइनली आता हूं कि और क्या क्या है इस डॉक्यूमेंट में ठीक है ना तो हमने यहां से शुरू किया था अब मैं मुख्य परीक्षा का के लिए जो आवश्यक के जो शर्तें हैं ठीक है ना उसके ऊपर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं जो आवश्यक शर्तें हैं मुख्य परीक्षा के लिए उसके ऊपर बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बीपीएससी ने जो जारी किया है ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए देखना यह है कि मुख्य परीक्षा का जो यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या आपको देखना है तो उसके ऊपर आपको देखना है कि देखो जाति के आधार पर आरक्षण की लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा मिले देखो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी है ठीक है ना जो बिहार के स्थानीय उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा और दो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। वो दो है। और है। बिहार के में निवास पत्र आपको चाहिए होगा। है ना? और डॉक्यूमेंट का डेट यहाँ पे निर्धारित है, कि इससे, इसके बाद के जो भी है वही मान्य होंगे इससे इससे पहले के डॉक्यूमेंट का मान्यता नहीं होगा जो क्रीमी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको क्रीमी लेयर का फॉर्म यहाँ पे लगाना पड़ेगा ठीक है और उसके अलावा उनको कोई भी तरीके का सुविधा नहीं मिलेगा नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि पिछड़ा और वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित को बेसिकली कहा जा रहा है कि जो भी महिलाएं जो दवा करेंगी आरक्षण का ठीक है ना उनको तभी मिलेगा जब वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म लगाएंगी सर्टिफिकेट लगाएंगी और साथ ही वो अनुसूचित जाति और जनजाति का लगाती हैं तो अगर वो उस कैटेगरी में आती हैं तो ईडब्ल्यू के लिए कहा जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया है कुछ खास है नहीं अनुसूचित जाति के लिए जो कोड है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोड इस कोड को आपको याद रखना है यही कोड आपको मैंशन करने हैं ठीक है ना फिर यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण देना है ये आपका विज्ञापन आया हुआ था ठीक है ना पंद्रह दो दो हजार सोलह से और उसके बाद से दिया जाने लगा है तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे और जो दिव्यांग है उनके लिए भी ये सारी चीजें कही गई है ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमने बातचीत कर लिया है और फाइनली इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं कि मु, जो भी आपका जो मेन्स एग्जामिनेशन है मुख्य परीक्षा है इसके लिए क्या-क्या संरचनाएं हैं किस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया है बीपीएससी ने तो अब उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं ओके गाइस उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो गाइस लाइक कर दो एक बार अब देखो टोटल जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो होता है आपका कितने नंबर का होता है यहां पे देखो 300 नंबर का होता है ठीक है ना सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है पर पत्र 300 ठीक है और वैकल्पिक बै सब्जेक्ट का आपका तीन सौ का होता है ठीक है ना तो ये तीन तीन छः एक सात सौ का एग्जामिनेशन आपका होता है टोटल टोटल सेवन हंड्रेड का एग्जामिनेशन होता है इसको आपको ध्यान में रखना है तीन पेपर है समान हिंदी आपका तीन सौ सौ नंबर का होता है तीन सौ का और तीन सौ का होता है ठीक है ना ये प्रपत्र टू और थ्री तीन तीन सौ का होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रपत्र वन टू एंड थ्री यहाँ पे देख लो ठीक है समान हिंदी है आपका सौ नंबर का ओके यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ठीक है ना वो ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरीके से हैं जिसको आपको देखना है ध्यान देना है ओके गाइस तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं और इस तरीके से आपको ध्यान देना है और ये से ही आपका होने वाला है ओके अब यहाँ पे बात ये कहा जा रहा है कि देखो भैया जो एग्जामिनेशन आप कौन से मोड में दोगे तो एग्जामिनेशन तो आपका लिखित होगा ऑफलाइन तरीके से इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन फॉर्म आप ऑनलाइन भरोगे इसके बारे में ये कहा जा रहा है ठीक है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं में होंगी और इस तरीके से उर्दू लिपि वगैरह भी है इसमें कुछ चीजें तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ओके गाइस अब आगे और क्या कहा जा रहा है तो उसके ऊपर हम एक बार देख लेते हैं छोटा सा झलक सर्विस पोस्ट और च्वाइस ये सारी चीजें आप खुद से आप अपना सर्विस कौन सा सर्विस में आप जाना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं ठीक है ना चिकित्सा द्वारा जांच ये सारी चीजें कही जा रही है और मुख्य परीक्षा के 300 अंक एवं साक्षात्कार के 120 और टोटल माफ कीजिएगा टोटल आपके एग्जामिनेशन होते हैं एक नंबर का और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ओके गाइस यानी कि सारे पेपर आपके तीन तीन सौ के होते हैं तीन पेपर तीन तीन सौ का होता है और एक सौ बीस नंबर का आपका साक्षात्कार होता है जो बीपीएससी ने मेंशन किया है ओके तो ये एक छोटा सा आपको ये अपडेट था जो मैंने दे दिया है और क्या है इसमें एक बार देख लेता हूं मैं छोटा सा इसका पीडीएफ डी बना करके कि और क्या क्या है इसमें तो गाइज ये आपका मैंने सारे पी को ऊपर बातचीत कर लिया है तो ये एक छोटा सा अपडेट था उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो इस वीडियो से इतना ही एवरीवन मिलते हैं